नोबेल कोरोना वायरस को मुख्य रूप से सांस से जुड़ी बीमारी माना जाता है, लेकिन हाल के अध्ययन बताते हैं कि इसके संक्रमण का खतरा तमाम अन्य प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों वाले लोगों को भी हो सकता है। हाल के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं को कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते खतरे से जुड़े कई नए जोखिम कारकों के बारे में पता चला है। इसके वैज्ञानिक ये निर्धारित कर सकते हैं कि इस घातक वायरस के प्रति कौन सा व्यक्ति कितना अधिक संवेदनशील है। दोस्तों, अब तक आपने डायबिटीज, हृदय रोग, सांस से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त लोगों में कोविड-19 संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होने के बारे में सुना होगा। नए अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया है कि जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को भी संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। आइए जानते हैं अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं को और क्या क्या पता चला, जिसे जानना आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अध्ययन से क्या क्या पता चला। प्लास वन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने टाइप 2 डायबिटीज और हाई बॉडी मास इंडेक्स वाले लोगों में कोविड संक्रमण का खतरा अधिक पाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 40 साल से अधिक उम्र के 500,000 ब्रिटिश लोगों के आंकड़ों पर किए अध्ययन के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। वायरस से संक्रमित लोगों की स्वास्थ्य स्थितियों की जांच के बाद शोधकर्ताओं ने गैर संक्रमित लोगों से इसकी तुलना की। उन्होंने पाया कि जिन लोगों को कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव था, उनमें से ज़्यादातर लोगों को मोटापा या टाइप 2 डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां पहले से ही थी। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों को कोविड टेस्ट नेगेटिव था, उनमें गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सही होने के साथ उनका वजन भी सामान्य था।